आदरणीय मुख्यमंत्री भाई, मैं तो 6 तारीख को जींद के अंदर आके और बहुत बड़ी सौगातें दे के जाएंगे जींद की जनता को। और अब तक भी उन्होंने जींद को हमेशा प्रायोरिटी देने की बात की है, विकास के नाम पे सबका साथ सबके विकास को लेके जींद को कभी पीछे नहीं रखा। करोड़ों रुपया इस टाइम आया हुआ है, जो काम चल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी आए, ये हमारा सौभाग्य है कि जींद को सौगात दें और इसको यहाँ की जनता को और विकास के माध्यम से और जींद को आगे ले जाने का काम करें। सर, विकास की बात करें, जींद में आपने पता है सारे रोड डैमेज हो चुके हैं, बिल्कुल मतलब पता ही नहीं चल पा, ज्यादा बारिश होती है तो रोड में खड्डा की खड्डे में रोड है। जितनी भी लोक की रोड है, पिछले एक हफ्ते से बारिश लगातार थी और इसका परमानेंट समाधान करने का काम किया। अंडरग्राउंड पाइपलाइन दबने लग रहे हैं जो 19 करोड़ रुपए के लगेंगे, 19 किलोमीटर हो गया, जिससे कि आने वाले टाइम में यहाँ शहर के अंदर एक बूंद भी पानी आपको सड़कों पे नजर नहीं आएगा। इस वास्ते कोई भी सड़क आने वाले टाइम में कोई टूटी हुई नजर नहीं आएगी। तो मुख्यमंत्री दे चुके हैं लेकिन अभी तक चल रही है। देखो, उसकी नक्शे बनने हैं, उसके पूरे जमीन के मैप लेने हैं, उसके अंदर बिल्डिंग्स के मैप लेने हैं, वो एजेंसी को हायर करेगी सरकार और फिर उसके बाद एनसीआर इसको पूरा करेगी और अगले 2 साल के अंदर जींद का मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा। तो कुछ नए प्रोजेक्ट देके जाएंगे मुख्यमंत्री, कुछ नई सौगात कह दिया? हाँ, सौगात देके जाएंगे। तो विशेष क्या रहेगा? जहाँ भी जाते हैं पूरे हरियाणा के अंदर विकास को प्राथमिकता देते हुए वहाँ पर पैसा देके जा रहे हैं, सौगात देके जा रहे हैं। जींद के अंदर भी ये मुख्यमंत्री जी की दिल में एक जगह है जींद के जींदवासियों के लिए और यहाँ के लोगों की इच्छा को पूरा करेंगे, यहाँ के विकास को पूरा करने का काम करेंगे। ठीक है।